हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनकम, सत श्रीकाल, केम चो, आदाब, एंड कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना मुनवर और आप देख रहे हो मुनवर मैगजीन। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नई सी गाड़ी लेकर आया हूं। सो दोस्तों, हाँ, आप देख सकते हो इस गाड़ी का नाम है BMW M1000 RR। दोस्तों दोस्तों, ये गाड़ी फ़िलहाल इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये 2021 की गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च के लिए रेडी हो चुकी है। दोस्तों, आप इसके स्पेसिफिकेशन और इसका लुक देख लीजिए। दोस्तों, तो दोस्तों, ये गाड़ी का टॉप स्पीड है दोस्तों 306 किलोमीटर पर आवर, और ये गाड़ी 306 किलोमीटर आवर से ब्रेकिंग करने पर 306 किलोमीटर पर आवर से जीरो आने के लिए इस गाड़ी को 10.7 सेकेंड्स लगते हैं दोस्तों। तो आप इसका ब्रेकिंग का पावर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका ब्रेकिंग का पावर इतना ज़्यादा है। तो दोस्तों, 2019 में भी इसकी एक वर्जन लॉन्च हुआ था, ताकि उसमें 3 वेरियंट थे दोस्तों, BMW S1000 RR, S1000 RR Pro, और एक था S1000 RR M Sport। दोस्तों, इस गाड़ी के ग्राफिक्स को देखिए दोस्तों, प्रीवियस जनरेशन से इसको थोड़ा अलग बनाया गया है और ये देखने में काफ़ी मस्कुलर लग रही है दोस्तों। अगर आप इस गाड़ी को लेकर रोड पर निकलेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा रोड प्रदर्शन देने वाली है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस गाड़ी के टैंक पर भी M का एम्बलम बना हुआ है। तो दोस्तों, अब इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये गाड़ी है 999 cc गाड़ी दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसके पावर के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, ये 205 हॉर्स पावर एट 13,500 RPM मैक्स प्रोड्यूस करती है दोस्तों, और इसका टॉर्क है 83 Nm एट 11,000 RPM। और तो और दोस्तों, इस गाड़ी में हमको 7 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस गाड़ी में हमको 2 तरह के ABS देखने के लिए मिलते हैं, एक है ABS और दूसरा है ABS Pro। BMW ने इसमें ABS को रेस ट्रैक पर यूज़ करने के लिए दिया है दोस्तों, और ABS Pro को जब भी हम लोग गाड़ी को बारिश में या रोड पर चलाते हैं, तब हम ABS Pro को इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग ABS Pro सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें BMW ने हमको आगे की तरफ 120/77 के टायर दिया हुआ है, और इस टायर में आगे हमको ट्विन डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद 4 पिस्टन कैलिपर, और इस रोटर का साइज है दोस्तों 320 mm, और पीछे हमको इसमें 255/17 का डिस्क ब्रेक देखने मिलता है दोस्तों, और ये हमको 2 पिस्टन कैलिपर में मिलेगा, और इसका रोटर का डाया है दोस्तों 200 mm। अब बात करते हैं दोस्तों, इस गाड़ी के सस्पेंशन की। तो दोस्तों, इस गाड़ी में फ्रंट में हमको 45 mm के अप साइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कम्प्लीटली
कंप्रेशन और रिबन को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और इसके प्रीलोड को भी हमारे मुताबिक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पीछे हम लोगों को इसमें एल्यूमिनियम सिंगम मिलता है जो कि आगे की तरह ही कंप्रेशन और रिबन को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और प्रीलोड को भी हमारे मुताबिक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी जल्द से जल्द इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अंटिल देन विथ ए न्यू वीडियो, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.